वहीं हल्द्वानी नगर निगम के कई वार्डों में पिछले 2 महीने से स्ट्रीट लाइट खराब होने के चलते स्थानीय लोगों ने आज नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन कर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि विगत 2 माह से लगातार स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत देने के बावजूद नगर निगम प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है, एक भी लाइट ठीक नहीं कराई गई है। इस वजह से न सिर्फ लोगों को परेशानी होती है बल्कि रात में चोरी के साथ ही आपराधिक घटनाओं का भी खतरा बढ़ जाता है। वहीं नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर शीघ्र व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाए और कार्यवाही और कार्यदायी संस्था के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की खास रिपोर्ट। हमारे वार्ड क्षेत्र नंबर 37 में विगत 2 माह से स्ट्रीट लाइट की समस्या बनी हुई है और 2 महीने बीत जाने के बाद सारे अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ और आज हम लोग यहाँ नगर आयुक्त महोदय को इस समस्या को अवगत कराने के लिए आए तो आज यहाँ कार्यालय पे भी कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। अब इनके कार्यालय में हम ये अपना पत्र रिसीव कराएंगे और नगर आयुक्त महोदय से वार्ता करेंगे फोन से कि अगर इसका शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन किया जाएगा। चेक भी कर रहे हैं, नाइट पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है और जब सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर सेवाएं आ जाएंगी तभी उनको भुगतान किया जाएगा। दमवा डुमा क्षेत्र के लिए मैंने स्पेशल मेंशन किया साइकिल आयुक्त की, अगर वहां पर भारी मात्रा में अगर सिलेटें खराब है तो प्रथम चरण में वहां की ठीक कर ली जाए क्योंकि वहां जैसा बता रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सिलेटें खराब है, मैं खुद भी इसको मॉनिटर करूँ।